हाय, मेरा नाम अली है। हम स्टडीज, करियर, रिलेशन, एग्जाम्स, हर किस्म की टेंशन पीछे छोड़ के एक रात के लिए कुरमले जा रहे हैं फॉर नाइट कैंपिंग विद ऑल स्ट्रेंजर्स अराउंड अस। एंड या वेलकम टू माय फर्स्ट एवर ट्रैवल व्लॉग। लेट्स डू इट। मैंने प्लान करा हुआ था कि मैं जब भी अलोन ट्रैवल करूँगा फर्स्ट टाइम तो मैं तला के साथ करूँगा, और कुंडमली का भी प्लान हमने एक साथ करा था, लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने टोपी करा दी और मुझे इनाम उन्होंने ज्वाइन कर लिया। दैट्स व्हाई आई वाज क्वाइट अपसेट। लेकिन हिंगोल नेशनल पार्क की ब्यूटी ने सब कुछ भुला दिया हमें। पहाड़ों की चोटियों को देखते रहे, कभी इनकी गहराइयों को देखते रहे, और देखते देखते कब सो गए पता ही नहीं चला। हमने रास्ते में स्टॉप लिया और यहाँ पे हम खाने के लिए रुके, और यहाँ पे खाने की चीज़ बहुत क्रेजी है। हम खाने के लिए रुके हैं यहाँ पे, अब देख के और खुशबू से तो बड़े अच्छे चीज़ लग रहे हैं। अब देखो अच्छा भी हो, बाथरूम बहुत बुरे हैं यार, यहाँ के इंतहाई बुरे हैं। वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स ग्रुप भी आए हुए थे जिनको देख के आई स्टार्ट मिसिंग तला। मेरा प्लान था कि मैं तला के साथ आऊँगा, लेकिन वहाँ नहीं पाया, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ और प्लान किया हुआ था। मुझे अपना 4 साल पुराना दोस्त जो मेरे स्कूल में साथ था, लेकिन 4 साल से हम मिले नहीं थे, और मिले तो कहाँ मिले, बलूचिस्तान के एक रेस्टोरेंट में। असीम नाम है इनका, नाइस हार्ट पर्सन। हेलो, हाय हाय। मेरे स्कूल का बचपन का दोस्त है, आज इत्तेफाकन मिले भी कहाँ, कुंडमलीर में। वैसे नहीं मिलते हैं, पता नहीं कितने साल बाद मिले। कितने साल बाद मिले हम लोग? कम से कम 6 या 7 साल बाद मिले, और मिले भी कुंडमलीर में, कराची में नहीं, बलूचिस्तान। खैर, एक ब्रेक के बाद हमने अपना सफ़र दोबारा स्टार्ट किया कुनमलीर के लिए। जब भी सफ़र करो 3 चीज़ों का ख्याल रखना। नंबर 1, अपनी सारी डिवाइसेस चार्ज कर लेना। नंबर 2, हेडफोन्स रख लेना। और नंबर 3, अगर बस में जा रहे हो तो किसी ढंग के बंदे से ब्लूटूथ कनेक्ट करना, वरना पूरे रास्ते ऐसे गाने सुनने को मिलेंगे। लाइट्स सॉफ्ट थी, सब सुकून से बैठे हुए थे। खिड़की से बाहर देखा तो काला आसमान और उस पर चमकते बड़े बड़े सितारे। आसमान को देखते रहे, ख्यालात आते रहे, एक दूसरे को बताते रहे, और कुछ देर में हम कुरमलीर पहुंच गए। कुनमलीर पहुंचती सबसे पहले हमने एक ड्रिंक निपटाई, उसके बाद अपने कैंप्स में सामान फेंका, और अंधेरे में एक दूसरे का हाथ थामे बीच पर निकल गए। बीच पर जाते ही सबके इमोशंस जाग गए, सबके अंदर का शायर भर आ गया। खैर, यहाँ कुत्ता सो रहे है, कभी अगर मैं देखता नहीं तो अजीम भाई उन पर चढ़ जाते, और वो हम सब पे चढ़ जाता। कुछ टाइम बीच पे स्पेंड करने के बाद हम लोग जब वापस आए तो हमारे ग्रुप ने पूरा पार्टी का सीन ऑन कर दिया था।
आई एंजॉय एवरी सिंगल थिंग। ये हमारा कैंप है, मैं कैंप पे आया हूँ। मैं फर्स्ट टाइम कैंप यूज़ कर रहा हूँ एक्चुअली। पहले मैंने इससे पहले पिक्चर्स में ही देखा था और इट्स माई फर्स्ट टाइम यूजिंग कैंप। अच्छा लग रहा है, सामान रखने के लिए लिया एक्चुअली। सोएगा तो कोई भी नहीं यहाँ पर। अच्छी बात यह कि ज़्यादातर लोग मुझे ऑकवर्डली देख नहीं रहे। मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उतने लोग मुझे ऑकवर्डली देख नहीं रहे। बीच का अलग ही मज़ा यार, वहाँ पे टाइम स्पेंड करना और डीप बातें करना जिनका ना कोई सर ना कोई पैर, अलग ही मज़ा है उनका। और जब हल्की हल्की रोशनी हुई तो जो नज़ारे देखने को मिले सारे पैसे उसके। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम। मैं घर से इतना दूर अकेले बिना किसी को बताए सिर्फ एक दोस्त के साथ था। एक्चुअली दिस वॉज माई फर्स्ट स्टेप। मेरी बहुत बड़ी ट्रैवल लिस्ट है, बहुत सारी ड्रीम डेस्टिनेशंस हैं जहाँ मुझे जाना है और जाऊँगा। और हाँ, आज थोड़ा फील हुआ कि इक्विपमेंट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मुझे शूट करनी थी मैं नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ इक्विपमेंट। खैर, मिलते हैं।